Go. नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और स्वागत है आपका अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। हमारी सीरीज साप्ताहिक करंट अफेयर्स विश्लेषण में हम लोगों ने पहला भाग देख लिया था, अब आइए देखते हैं दूसरा भाग और उसके हेडलाइंस। धन्यवाद। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन फंड ने वर्ष 2020 के लिए जारी किया स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। भूवैज्ञानिकों ने जीलैंडिया महाद्वीप का नया मानचित्र जारी किया। बोत्सवाना के प्रसिद्ध ओकावंगो डेल्टाई क्षेत्र में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय मौत। देश में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए एक्सेलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की। आपराधिक कानून में सुधार के लिए गृह मंत्रालय ने गठित की रणवीर सिंह समिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ। आइए अब देखते हैं डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। पहला पॉइंट है हमारा राजा जी नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वन गुज्जर समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि राज्य के वन विभाग के कम से कम 6 अधिकारियों ने उनके डेरों यानी कि अस्थायी झोपड़ियों को ध्वस्त करने की कोशिश की और उनका शारीरिक शोषण किया। अब हम लोग देख लेते हैं राजा जी नेशनल पार्क के बारे में। तो राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। वर्ष 1983 में उत्तरांचल के राजाजी वन्यजीव अभयारण्य को मोतीचूर और चिल्ला वन्यजीव अभयारण्यों को संयुक्त करके राजाजी संयुक्त राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। तो मोतीचूर और चिल्ला वन्यजीव अभयारण्यों को संयुक्त करके राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इस पार्क का नाम श्री राजगोपालाचारी जिन्हें राजाजी भी कहा जाता है के नाम पर रखा गया है, जो भारत के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्रता के बाद जो हमारे पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी ही थे। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राजाजी नेशनल पार्क हिमालय की तलहटी में शिवालिक पर्वतमाला की निचली पहाड़ियों एवं तलहटी में अवस्थित है और यह शिवालिक पर्यावरण प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। 3 अभयारण्यों चिल्ला, मोतीचूर और राजाजी को मिलाकर बनाया गया राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के पौड़ी गढ़ीवाल देहरादून एवं सहारनपुर जिलों में फैला हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं वन गुज्जर समुदाय के बारे में। तो वन गुज्जर मूल रूप से एक खानाबदोश यावर जनजाति है। यह एक मुस्लिम समुदाय है। ठीक है, यह जनजाति मूल रूप से जम्मू कश्मीर में निवास करती थी, किंतु अपने मवेशियों के भोजन के लिए समृद्ध जंगलों एवं घास के मैदानों की तलाश में ये उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती हैं। वन गुज्जरों का जीवन अपने जानवरों की देखभाल के लिए करने पर केंद्रित है। यह हिमालय के तराई क्षेत्रों अर्थात शिवालिक श्रेणी के वनों में सर्दियां बिताते हैं। यहाँ रसीले पत्ते भैंसों के लिए भरपूर चारा उपलब्ध कराते हैं। प्रत्येक वन्य गुज्जर परिवार अपने स्वयं के अस्थायी बेस कैंप में रहता है, जिसे टहनियों एवं कीचड़ से बनाया जाता है। इसे डेरा भी कहा जाता है। ये अपनी भैंसों को पानी पिलाने के लिए डेरों के पास ही छोटे गड्ढों का निर्माण भी करते हैं। प्रवास के दौरान एक वन गुज्जर परिवार में प्रत्येक सदस्य की जानवरों के साथ एक उचित परिभाषित भूमिका उम्र के आधार पर तय होती है, अर्थात वयस्क बड़े भैंस एवं घोड़ों के साथ चलते हैं, जबकि बच्चे जो हैं वो बछड़ों के साथ धीमी गति से चलते हैं। इनकी अपनी एक बोली है जिसे गुज्जरी कहा जाता है, जो डोगरी एवं पंजाबी भाषा का युग्मन है। तो यह भी याद रखिएगा कि गुज्जरी जो भाषा है वो डोगरी और पंजाबी भाषा का संयुक्त रूप है। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तराखंड के कुछ प्रमुख पर्यावरणीय संरक्षित क्षेत्र। तो इनमें प्रमुख है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आसन बैराज पक्षी अभयारण्य,
गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, ये सब पूछा जा चुका है तो पहले से याद रखिएगा। और ये उत्तराखंड का मैप है जिस पर आपको मिल जाएगा ये सारा जो भी संरक्षित क्षेत्र है उन सब का मैप है। ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का जो है नाम दिया है या फिर उसमें वर्गीकृत किया है, तो यह भी याद रखने लायक पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखते हैं असम कीलबैक। एक सदी से भी अधिक समय के बाद भारतीय वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक टीम ने वर्ष 2018 में असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पोबा आरक्षित वन पोबा रिजर्व फॉरेस्ट के पास सांप की एक प्रजाति असम कीलबैक को पुनः खोजा था। इसका वैज्ञानिक नाम एम्फीएस्मा पीली है, ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले इस सांप की खोज 129 वर्ष पहले ऊपरी असम में चाय की रोपाई करने वाले ब्रिटिश नागरिक सैमुअल एडवर्ड पील ने की थी। सैमुअल एडवर्ड पील ने असम के सदाबहार वनों से भूरे रंग के दो छोटे गैर विषैले सांप एकत्रित किए थे और उन्हें संग्रहालय में जमा किया था। यह स्थान अब असम का शिव सागर जिला कहलाता है। वर्ष 1891 में ब्रिटिश प्राणी विज्ञानी विलियम ल्यूटले स्केलाटेर ने इस सांप को अपने एक विवरण में एक नई प्रजाति के रूप में दर्ज किया और इसका नाम यहाँ के तब के कलेक्टर एडवर्ड पील और उस जगह के नाम पर रखा गया जहाँ इसे खोजा गया था। 26 जून 2020 को असम कीलबैक की पुनः खोज से संबंधित विवरण को अंतरराष्ट्रीय पत्रिका वर्टेब्रेट जूलॉजी में प्रकाशित किया गया था। यह प्रजाति 60 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा इसका रंग भूरा एवं पेट एक पैटर्न की तरह होता है। जब अंग्रेजों ने इस सांप की खोज की थी उन्होंने इसे बड़े आकार वाली कीलबैक प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया था, किंतु डीएनए अध्ययन में पाया गया कि यह भारत के विशेष रूप से सामान्यीकृत कीलबैक सांप से संबंधित नहीं है बल्कि चार प्रजातियों के एक छोटे से समूह के वर्ग हर्पेटोरियस से संबंधित है जो पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय दक्षिणी चीन तथा पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। तो हर्पेटोरियस से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पोवा आरक्षित वन के बारे में। तो पोवा आरक्षित वन असम एवं अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ एक जंगल है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों में फैला हुआ है, याद रखिएगा। वर्ष 2018 में कीलबैक सांप को अरुणाचल प्रदेश वाले पोबा आरक्षित वन में खोजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के प्रति चिकित्सकों के योगदान और उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनका आभार व्यक्त करना है। और इस वर्ष की थीम क्या है, तो लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, मतलब कोविड-19 महामारी में जो मृत्यु दर है उसको कम रखना। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के आयोजन की शुरुआत सर्वप्रथम 1991 में हुई थी। इस दिवस का आयोजन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में किया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय एक प्रख्यात भारतीय चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 1948 से 1962 तक अपनी मृत्यु तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, देख लेते हैं स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक एंड इल्यूसिव प्रिंस। ये दोनों जो है तितलियों की प्रजातियां हैं जिन्हें हाल ही में खोजा गया है। तो देख लेते हैं लेपिडॉप्टेरिस्ट ये कहा जाता है, जो तितलियों का अध्ययन करते हैं उनको कहा जाता है कीट विज्ञानी होते हैं, ठीक है। तितलियों पतंगों इत्यादि का संग्रह करते हैं एवं अध्ययन करते हैं। तो लेपिडॉप्टेरिस्टों ने भारत में स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक को भारत म्यांमार सीमा पर स्थित विजयनगर से, जबकि इल्यूसिव प्रिंस को नामदफा नेशनल पार्क की परिधि में मियाओ में खोजा था। लेपिडॉप्टेरिस्ट एक कीट वैज्ञानिक होता है जो तितलियों एवं पतंगों का संग्रह एवं अध्ययन करता है, तो यह याद रखिएगा। स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक को सबसे पहले चीन के हैनान प्रांत में जापानी कीट वैज्ञानिकों के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। वहीं इल्यूसिव प्रिंस मूल रूप से पूर्वी एशियाई देश वियतनाम से संबंधित है और यह पूर्वी हिमालय में पाई जाने वाली तितली की एक प्रजाति ब्लैक प्रिंस के समान है। भारत में तितली की दो प्रजातियां ब्लैक प्रिंस और ब्राउन प्रिंस से संबंधित हैं, रोहाना जीनस से संबंधित है। ब्लैक प्रिंस और ब्राउन प्रिंस जो है वो भारत में रोहाना जीनस से संबंधित है, यह याद रखिएगा। इल्यूसिव प्रिंस का वैज्ञानिक नाम रोहाना टोनकिनियाना है जिसका नाम उत्तरी वियतनाम में टोनकिन के नाम पर रखा गया है जहां इसे पहली बार खोजा गया था। भारत की तितलियों में
की सूची में जोड़ी गई दो तितली प्रजातियों से संबंधित विवरण को बायोनोट्स जर्नल के अप्रैल जून संस्करण में प्रकाशित किया गया है। भारत में अब तितली की 1327 प्रजातियां हो गई हैं, जो कि 2015 में 1318 थी। मतलब 9 अन्य प्रजातियां जो है आपका जोड़ी गई हैं, ठीक है, 2015 से अब तक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, धम्म चक्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर आगामी आषाढ़ पूर्णिमा 4 जुलाई 2020 को धम्म चक्र दिवस मनाएगा। आषाढ़ पूर्णिमा का यह पावन दिवस भारतीय सूर्य कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने की पहली पूर्णिमा को होता है, जो श्रीलंका में एसाला पोया तथा थाईलैंड में असान्हा पूजा के नाम से विख्यात है। तो यह याद रखिएगा, बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख के बाद बौद्धों का यह दूसरा सबसे प्रसिद्ध दिवस है, सबसे पवित्र दिवस है। यह दिवस भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद वाराणसी उत्तर प्रदेश के निकट सारनाथ के हिरण उद्यान में आषाढ़ महीने की पहली पूर्णिमा को पहले 5 तपस्वी शिष्यों पंचवर्गीका को उपदेश दिए जाने को चिन्हित करता है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का यह उपदेश धर्म के प्रथम चक्र के घूमने के नाम से विख्यात है और 4 पवित्र सत्य तथा उच्च अष्टांग मार्ग से मिलकर बना है। इस सूत्र का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ धम्म चक्र पवत्तना सूत्र में किया गया है। सन्यासियों के लिए वर्षा ऋतु में निवर्तन भी इस दिन से आरंभ होता है, जो जुलाई से अक्टूबर तक 3 चंद्र महीनों तक चलता है। इस समय को सन्यासी एकल स्थान पर गहन साधना करते हुए व्यतीत करते हैं। इस दिन को बौद्धों एवं हिंदुओं के द्वारा अपने गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट अब देख लेते हैं, जो कि हमारी हेडलाइंस में भी था। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा विश्व स्तर पर महिलाओं की घटती संख्या के संदर्भ में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष विश्व में 142 मिलियन, मतलब 14.2 करोड़ लड़कियों की मृत्यु हो रही है। रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की मृत्यु की संख्या पिछले 50 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है। 1970 में यह संख्या 61 मिलियन यानी कि 6.10 करोड़ थी, जो वर्ष 2020 में बढ़कर 14.26 करोड़ पहुंच गई है। इस रिपोर्ट में पक्षपातपूर्ण लिंग चयन के साथ साथ जन्म के समय लिंग अनुपात असंतुलन का अध्ययन करके महिलाओं की मृत्यु के कारणों की जांच की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की मृत्यु दर 3% से भी कम है। 5 वर्ष की अवधि वर्ष 2013-17 के औसत के अनुसार हर वर्ष वैश्विक स्तर पर जन्म के समय 1.2 मिलियन महिलाओं की मृत्यु हुई है। वहीं भारत में हर वर्ष जन्म के समय लगभग 4,60,000 लड़कियों की मृत्यु हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 तक मृत महिलाओं की संख्या 45.8 मिलियन हो गई है। वहीं चीन में यह आंकड़ा 72.3 मिलियन है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लिंग परीक्षण के कारण कुल मृत लड़कियों की संख्या लगभग 2/3 है तथा जन्म के बाद महिला मृत्यु दर लगभग 1/3 है। लैंगिक आधारित भेदभाव के कारण अर्थात जन्म से पूर्व लिंग चयन के कारण विश्व में हर वर्ष लगभग 12-15 लाख लड़कियों की मृत्यु हो जाती है, जिनमें 90% से 95% भारत और चीन में होती है। तो भारत की स्थिति बहुत ही भयावह है। अब देख लेते हैं भारत की स्थिति के बारे में। तो भारत में लिंग चयन के कारण 46 मिलियन यानी कि 4.6 करोड़ लड़कियों की हर वर्ष मृत्यु हो रही है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2014 के अध्ययन को आधार बनाते हुए बताया गया कि भारत में प्रति 1000 महिला पर 13.5 प्रति महिला की मृत्यु प्रसव पूर्व लिंग चयन के कारण हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की मृत्यु दर का अनुपात 9 लड़कियों पर 1 है, जो कि सर्वाधिक है। अब देख लेते हैं कि इस कमी के कारण क्या क्या हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह, लोगों में पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा एवं लिंग चयन के कारण इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में एक विश्लेषण के द्वारा पता चला है कि कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने तक यदि सेवाएं और कार्यक्रम को बंद कर दिया जाता है तो 13 मिलियन लड़कियों को शादी के लिए मजबूर किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि हर वर्ष विश्व में लाखों लड़कियों को अपने समुदाय की इन प्रथाओं के अधीन किया जाता है, जो उन्हें शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। अब हम लोग देख लेते हैं गलवान घाटी के बारे में, जो हाल ही में विवादित क्षेत्र रहा है भारत और चीन के बीच में। तो हाल ही में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें दोनों पक्षों को भारी जानमाल के नुकसान का सामना करना पड़ा।
गलवान घाटी वर्ष 1962 सहित दोनों देशों के बीच तनाव का एक विषय बना हुआ है। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में दावा किया था कि संपूर्ण गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LSA की चीनी पक्ष पर स्थित है और इसलिए यह चीन का हिस्सा है। वहीं भारत ने चीन के इस दावे को अतिरंजित और असमर्थनीय बताया है, मतलब सिरे से खारिज किया है। अब देख लेते हैं कहाँ है गलवान घाटी। तो गलवान घाटी सामान्यतः उस भूमि को संदर्भित करती है जो गलवान नदी के पास मौजूदा पहाड़ियों में स्थित है। गलवान नदी का स्रोत चीन की ओर अक्साई चीन में मौजूद है और आगे चलकर यह भारत की सियोक नदी से जाकर मिल जाती है। यह घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच में स्थित है। इस कारण यह रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। इसका पूर्वी हिस्सा चीन के झिंजियांग तिब्बत मार्ग से काफी नजदीक है, जिसे G219 मार्ग राजमार्ग कहा जाता है। और यहाँ पर आप जो है इस मैप में देख सकते हैं सारा का सारा लद्दाख का मैप और जम्मू कश्मीर का मैप। ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या होती है देख लेते हैं। तो LSE एक प्रकार का सीमांकन रेखा है जो भारतीय नियंत्रण क्षेत्र और चीनी नियंत्रित क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करती है। जहां एक ओर भारत मानता है कि LSE की लंबाई लगभग 3440 किलोमीटर है, वहीं चीन इस रेखा को तकरीबन 2000 किलोमीटर लंबा मानता है। अब मानचित्र के आधार पर क्षेत्र का निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो दोनों देशों के मानचित्र के आधार पर इस विवाद को सुलझाना काफी जटिल कार्य है। जानकारों के अनुसार 1956 का मानचित्र दोनों देशों के बीच सीमा का एकदम सही निर्धारण करता है। वर्ष 1956 का मानचित्र संपूर्ण गलवान घाटी को भारत के एक हिस्से के रूप में प्रदर्शित करता है। हालांकि जून 1960 में चीन ने गलवान घाटी पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हुए एक नया मानचित्र प्रस्तुत किया था, जिसमें गलवान घाटी को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। इसके पश्चात नवंबर 1962 में भी एक नया मानचित्र जिसमें संपूर्ण गलवान घाटी पर दावा प्रस्तुत किया गया था, किंतु इसके बाद चीन की सरकार द्वारा जारी किए गए नक्शों में गलवान नदी के पश्चिमी सिरे को चीन के हिस्से के रूप में नहीं दिखाया गया। अब देख लेते हैं चीन का दावा क्या है। तो 15 जून 2020 को हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने दावा किया है कि संपूर्ण गलवान घाटी चीन के नियंत्रण क्षेत्र में आती है। और बीते महीनों से चीन गलवान घाटी और सियोक नदी के संगम तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा LSE के बीच के क्षेत्र में भारत की सड़क निर्माण गतिविधियों पर आपत्ति जता रहा है। भारत ने चीन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं जीलैंडिया, जो कि हमारे हाइलाइट्स में भी था, हेडलाइंस में भी था। हाल ही में भूवैज्ञानिकों के द्वारा जीलैंडिया महाद्वीप का नया मानचित्र जारी किया गया है। जीलैंडिया क्या है तो देख लेते हैं। जीलैंडिया जो है माओरी भाषा में इसे ते रियू ए मोई कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में 2 मिलियन वर्ग मील का एक महाद्वीप है जो आधुनिक न्यूजीलैंड के नीचे है। इसी को जीलैंडिया कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने 1990 के दशक में विशाल जल निकाय के नीचे ठोस स्थल की खोज की थी, जिसे वर्ष 2017 में औपचारिक रूप से महाद्वीप का दर्जा दिया गया था। यह पृथ्वी के क्रस्ट के डूबे हुए टुकड़ों का एक समूह है जो लगभग 85 मिलियन वर्ष पहले प्राचीन गोंडवाना लैंड से अलग हो गया था। गोंडवाना का निर्माण तब हुआ था जब प्राचीन महाद्वीपीय भाग पैंजिया दो टुकड़ों में विभाजित हो गया था। गोंडवाना के निर्माण के बाद भी विघटित विभाग की सतह लगातार पुनर्व्यवस्थित होती रही। जीलैंडिया एक ऐसी ही पुनर्व्यवस्थित संरचना है। नए मानचित्र में जीलैंडिया की पेथीमेट्री समुद्र तल का आकार के साथ साथ इसके विवर्तनिक इतिहास को भी दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे ज्वालामुखी एवं विवर्तनिक गति, विवर्तनिक मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब विवर्तनिक गति ने लाखों वर्षों में इस महाद्वीप को आकार दिया है। वर्ष 2017 तक जीलैंडिया को सूक्ष्म महाद्वीप मतलब मेडागास्कर द्वीप की तरह के रूप में वर्गीकृत किया गया था, किंतु इसकी सीमाओं के परिभाषित न होने तथा 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अवस्थित होने एवं समुद्री क्रस्ट के ऊपर निर्मित होने के कारण वर्ष 2017 में इसे महाद्वीप की संज्ञा दी गई थी। तो यह याद रखिएगा, 2017 में इसे जो है महाद्वीप की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। डायना पुरस्कार, दिल्ली की छात्रा फ्रेया ठकराल को वर्ष 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर युवाओं के मानवीय प्रयासों के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। फ्रेया ठकराल को यह पुरस्कार रिसाइकलर ऐप विकसित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। यह वेब आधारित मोबाइल एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को अपशिष्ट संचालकों से जोड़ने का काम करता है। डोर टू डोर अपशिष्ट उठाने की यह प्रक्रिया पुनः प्रयोज्य कचरे के आसान निपटान में पुनः प्रयोज्य मतलब रिसाइकलेबल
आसान रीयूजेबल आसान निपटान में उन लोगों की मदद करती है जिनके पास अपने कचरे को छोड़ने के लिए साधन या समय नहीं है। अपशिष्ट के सतत पुनर्चक्रण के लिए प्रिया टकराल का योगदान गरीबी उन्मूलन, नवाचार, बुनियादी ढांचा, खपत एवं जलवायु कार्यवाही हेतु SDGs मतलब कि जो हमारे संपोषणीय लक्ष्य हैं, विकास लक्ष्य हैं को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। डायना पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1999 में तत्कालीन चार्ल्सनल गॉर्डन ब्राउन की अध्यक्षता वाले एक बोर्ड के द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार 9 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं को उनके सामाजिक एवं मानवीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं तो बोत्सवाना का ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र जहाँ पर सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में अवस्थित है बोत्सवाना जो कि एक भू आबद्ध देश है। ठीक है, तो यह भू आबद्ध देश है, यह याद रखिएगा लैंड लॉक्ड कंट्री है। बोत्सवाना दुनिया की सबसे बड़ी हाथी की आबादी वाला देश है जहां हाथियों की अनुमानित संख्या लगभग 130,000 है। यहां के ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र के उत्तर में मृत हाथियों की संख्या 356 दर्ज की गई है। इनमें से 275 हाथियों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। इन मृत हाथियों की संख्या को एक वन्य जीव संरक्षण चैरिटी एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा चिन्हित किया गया था जिसकी गोपनीय रिपोर्ट में 356 मृत हाथियों का जिक्र किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स क्या है। तो अफ्रीकी महाद्वीप के बोत्सवाना गणराज्य में एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स एक गैर लाभकारी कर मुक्त पंजीकृत संगठन है। EWB यानी कि एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स बोत्सवाना के सीमावर्ती शहर काजुंगबुला में स्थित है जहाँ बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमाएं जाम्बोजी नदी के साथ मिलती है। तो यह इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। EWB आधिकारिक समर्थन के तहत अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सन्निहित वन्य जीवों के लिए अपनी परियोजनाओं एवं गतिविधियों का संचालन करता है। बोत्सवाना को वन्य जीव संरक्षण के लिए मिली सफलताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के वन्य जीव हॉटस्पॉट EWB के लिए आदर्श स्थान है जो शोधकर्ताओं को हाथियों के आवास, प्रवास पैटर्न, व्यवहार एवं उनका पारिस्थितिकी अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करते हैं। अब देख लेते हैं ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र के बारे में। तो बोत्सवाना में ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र एक दलदली अंतर्देशीय डेल्टा है जहां ओकावांगो नदी कालाहारी एवं इंडारेहिक बेसिन के मध्य भाग में एक विवर्तनिक गर्त तक पहुंचती है। यह क्षेत्र कभी मक्सा दिक गादी झील का एक हिस्सा था जो एक प्राचीन झील थी और होलोसीन युग के दौरान सूख गई थी। इस डेल्टा को अफ्रीका महाद्वीप के साथ प्राकृतिक आश्चर्यों के एक में से एक के रूप में नामित किया गया था जिसकी आधिकारिक घोषणा वर्ष 2013 में तंजानिया में की गई थी। वर्ष 2014 में ओकावांगो डेल्टा को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो 2014 में इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक्सेलरेट विज्ञान योजना। देश में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सांविधिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा एक्सेलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की गई है। तो किसके द्वारा की गई है, याद रखिएगा। योजना के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों को शोध, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं से संबंधित एकल राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाएगा। सर्व की स्थापना संसद के अधिनियम के माध्यम से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी जो विज्ञान और इंजीनियरिंग में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। तो यह बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उद्देश्य देख लेते हैं तो योजना का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और वैज्ञानिक श्रम शक्ति तैयार करना है ताकि अनुसंधान आधारित करियर और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सके। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान क्षमता, सलाह, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की पहचान करने वाले तंत्र को आरंभ करना तथा मजबूती प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। दृष्टिकोण देख लेते हैं तो योजना का मूल दृष्टिकोण अनुसंधान के आधार को विस्तृत करना है। योजना के लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो व्यापक तीन लक्ष्य हैं इसके, ठीक है। और वो लक्ष्य क्या क्या है तो देख लेते हैं हम लोग। वैज्ञानिक कार्यक्रमों का समेकन करना, हाई एंड अनुसंधान कार्यशालाओं की शुरुआत करना, जिन लोगों को अनुसंधान कार्यशालाओं तक की पहुंच ना हो उनके लिए अनुसंधान इंटर्नशिप के अवसर पैदा करना। योजना के प्रमुख घटक देख लेते हैं तो इसके दो प्रमुख घटक है, पहला है अभ्यास और दूसरा है सम्मोहन, ठीक है। अभ्यास के अंतर्गत भी जो है आपके दो उप घटक है जिसमें कार्यशाला है और वृत्तिका है। कार्यशाला
यह एक हाई एंड वर्कशॉप के रूप में कार्य करेगी और वृत्तिका जो है यह एक रिसर्च इंटर्नशिप कार्यक्रम है। और हाल ही में कार्यशाला और वृत्तिका को घटकों के तहत शीतकालीन सत्र दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सम्मोहन घटक कार्यक्रम के भी दो उपघटक है, संयोजिका और संगोष्ठी। संयोजिका का उद्देश्य जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण गतिविधियों को सूचीबद्ध करना है और संगोष्ठी जो है सर्व का पूर्व में संचालित किया जा रहा एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रशांत महासागर में 4 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। हाल ही में प्रशांत महासागर की गहराई में एकल कोशिकीय जीवों की 4 नई प्रजातियों की खोज की गई है। इन एकल कोशिकीय जीवों जेनोफाइफोरेस की प्रजातियों को यूके के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान केंद्र नेशनल ओशियनोग्राफी सेंटर, संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई विश्वविद्यालय और स्विट्जरलैंड के जेनेवा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया है। इस खोज से प्राप्त निष्कर्षों को यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रोटिस्टोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। इस खोज में 4 नई प्रजातियां और 2 नए जीनस शामिल है। 4 प्रजातियों में मैना मिन्ना, सेमी सिर कुलारिस, एबिसालिया फोलिफॉर्मिस, एबिसालिया स्फेरिका और स्मिना टेनुइस है। और 2 नए जीनस जो है वो है मोनामिना और एबिसालिया। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। जेनोफाइफोरस के बारे में देख लेते हैं, तो प्रशांत महासागर के क्लेरियन क्लिपर्टन जोन CCZ के समतलीय मैदानों में पाए जाने वाले बड़ी जीवों के सबसे सामान्य प्रकारों में से एक जीव जेनोफाइफोरेस है। क्लेरियन क्लिपर्टन जोन प्रशांत महासागर का भूगर्भीय सबमरीन फ्रैक्चर जोन है जिसकी लंबाई 4500 मील है। प्रशांत महासागर के क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में जल के भीतर ड्रोन का उपयोग करके इन नई प्रजातियों की खोज की गई थी, जहां समुद्र का तल 3 मीटर से अधिक गहरा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कोआला के बारे में। तो कोआला क्या है, एक प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई जीव है जिसे भालू भी कहा जाता है। यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में वृक्षों पर निवास करने वाला मार्सुपियल है। यह शाकाहारी होता है। इसका वैज्ञानिक नाम फास्को लाक्टोर्स सिनेरेउस है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली के बिना ही गर्भावस्था के 34 से 36 दिनों के बाद जन्म लेता है और इसके बाद लगभग 6 माह तक पेट के पाउच यानी कि थैले में इसका विकास होता है। इसे IUCN की रेड डाटा बुक, मतलब कि जो लाल बुक है उसकी, उसमें सुभेद्य यानी कि वल्नरेबल प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। निवास स्थान की क्षति और आहार की कमी के कारण इसकी जनसंख्या में तेजी से कमी आई है। इसका मुख्य आहार यूकेलिप्टस की पत्तियां हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से यूकेलिप्टस की पत्तियों के पौष्टिक गुणवत्ता में कमी हो रही है। ये यूकेलिप्टस के पत्ते लंबे समय तक सूखे के कारण जंगल में आग लगने का कारण भी बन जाते हैं। और ये जो कोआला है इसके 2050 तक विलुप्त होने की जो संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यह चर्चा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं बैकहोमिया हीरा। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने पश्चिमी घाट के अंतर्गत आने वाले उत्तरी कर्नाटक में एक नए जीनस महाराजा बार्ब्स की एक नई मछली प्रजाति बैकहोमिया हीरा की खोज की गई है। बैकहोमिया हीरा से संबंधित जीनस वर्ग का नाम बैकहोमिया विश्वनाथ बैकहोम के नाम पर रखा गया है, जो मणिपुर विश्वविद्यालय के एक वर्गीकरण वैज्ञानिक यानी कि टैक्सोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने भारत में 100 से अधिक मीठे जल की मछलियों की खोज की है। यह खोज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स के वैज्ञानिकों के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। तो यह इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बैकहोमिया हीरा सामान्य तौर पर पश्चिमी घाटों के उत्तरी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में अधिक संख्या में पाई जाती है। बैकहोमिया हीरा को कोहिनूर बार्ब के नाम से भी जाना जाता है। बैकहोमिया हीरा को मुख्य रूप से कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पश्चिम की ओर बहने वाली काली नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र से एकत्र किया गया था। देख लेते हैं महाराजा बार्ब्स के बारे में। वर्ष 1953 में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में पहली बार इसकी खोज की गई थी। प्रसिद्ध महाराजा बार्ब्स
का प्रतिनिधित्व एक ही प्रजाति पुटियंस सह्याद्री नेसिस द्वारा किया जाता है, जिसे बैकोनिया सह्याद्री नेसिस भी कहा जाता है। महाराजा बार्ब्स पश्चिमी घाट के उत्तरी एवं मध्य भागों में ऊंची ऊंची पहाड़ी नदियों में पाई जाने वाली छोटी साइप्रिनिड मछलियों का एक समूह है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या है ई किसान धन। हाल ही में HDFC बैंक ने भारतीय किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का प्रयोग करते हुए किसान अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का एक साथ लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह ऐप किसानों को कृषि प्रथाओं से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेगा। यह ऐप मंडी की कीमतों, कृषि से संबंधित नवीनतम खबरों, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी और किसान टीवी जैसी सभी मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करेगा। इस ऐप का उपयोगकर्ता ऋण प्राप्त करने, बैंक खाते खोलने, बीमा सुविधाओं का लाभ उठाने और सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐप किसानों को पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं जैसे ऋण हेतु आवेदन करना, फिक्स्ड डिपॉजिट, आवर्ती जमा और बचत खातों के उपयोग आदि की सुविधाएं भी प्रदान करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या पॉइंट है, पीएम स्वनिधि योजना। हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरीवारों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो 10,000 रुपए तक का है, यह याद रखिएगा। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या फिर कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे। साथ ही इस योजना के तहत यदि लाभार्थी लिए गए ऋण पर भुगतान समय से या निर्धारित तिथि से पहले ही करते हैं तो उन्हें 7% की ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि DBT के माध्यम से 6 माह के अंतराल पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। पीएम स्वनिधि के तहत निर्धारित तिथि से पहले ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना लागू नहीं होगा। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। यह योजना मार्च 2022 तक लागू रहेगी। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। यह पहली बार है जब सूक्ष्म वित्त संस्थानों यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस MFI और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFCs एवं स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंकों और शहरी क्षेत्र के गरीब आबादी से जुड़ी किसी योजना में शामिल किया गया है। इन सभी को तकनीकी का प्रयोग और पारदर्शिता देख लेते हैं। इस योजना के प्रभावी वितरण और इसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप युक्त एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास किया जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म क्रेडिट प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के उद्यम मित्र पोर्टल से तथा ब्याज सब्सिडी के स्वचालित प्रबंधन हेतु महुआ के पैसा पोर्टल से जुड़ेगा। ये महुआ का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स। तो यह याद रखिएगा। लाभ क्या है इस योजना का, तो इस योजना से विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के 50 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। इस योजना से छोटे दुकानदारों, ठेले और रेहड़ी पटरी वाले के लिए तैयार किया गया है। इस योजना के माध्यम से छोटे व्यापारी COVID-19 से प्रभावित हुए बिना अपने व्यापार को पुनः चालू कर सकेंगे। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा, क्षमता विकास होगा। इस योजना के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जून माह में पूरे देश में राज्य सरकारों दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के राज्य कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, शहरी स्थानीय निकायों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट और अन्य हितधारकों के सहयोग से क्षमता विकास और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, आपराधिक कानून सुधार में पर रणवीर सिंह समिति। हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानून में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है, जिसमें नई दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति रणवीर सिंह सहित न्यायिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा कि गृह मंत्रालय ने यह समिति बनाई है। आपराधिक न्याय प्रणाली की पृष्ठभूमि देख लेते हैं, तो भारत में आपराधिक कानूनों का आपराधिक कानून का मतलब क्रिमिनल लॉ का संहिताकरण मतलब कोडिफिकेशन ब्रिटिश शासन के दौरान ही किया गया था, जो कमोबेश 21वीं सदी में भी उसी तरह है। लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले को भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण का प्रमुख वास्तुकार कहा जाता है। तो लॉर्ड मैकाले याद रखिएगा, ठीक है। वर्ष 1834 में स्थापित भारत के पहले विधि आयोग की सिफारिशों पर चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत वर्ष
1860 में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण के लिए एक मसौदा तैयार किया गया था और इसे वर्ष 1862 के शुरुआती ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश भारत में लागू किया गया था। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसका इतिहास। भारत के आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860 यानी कि इंडियन पेनल कोड 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि के तहत संचालित होते हैं। सुधार की आवश्यकता देख लेते हैं, आखिर सुधार की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अपने औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानून हैं ये, इसकी प्रभाव जो है वो शून्य हो चुके हैं। विचाराधीन आपराधिक मामलों का जो है बोझ बहुत अधिक बढ़ चुका है। अंडर ट्रायल मामलों की संख्या जो है वो काफ़ी अधिक है। जांच पड़ताल में जो है वो देरी होती रहती है। और माधव मेनन समिति की रिपोर्ट क्या कहती है तो देख लेते हैं। इस समिति ने वर्ष 2007 में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया में सुधारों पर विभिन्न सिफारिशों का सुझाव दिया था। तो यह भी याद रखिएगा, माधव मेनन समिति किससे जुड़ी हुई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। माठीमल समिति की रिपोर्ट देख लेते हैं। इस समिति ने वर्ष 2003 में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस समिति ने कहा था कि मौजूदा प्रणाली अभियुक्तों के पक्ष में अधिक झुकी हुई है और इसमें अपराध पीड़ितों के लिए न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस समिति ने भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हेतु विभिन्न सिफारिशें प्रदान की है किंतु इन्हें लागू नहीं किया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी का पुनर्गठन किया गया है। हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सेंट्रल जू अथॉरिटी का पुनर्गठन करते हुए इसमें स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के एक विशेषज्ञ और एक आणविक जैव विज्ञानी को शामिल किया है। पुनर्गठन के बाद स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के निदेशक PSN राव तथा कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक कार्तिकेयन वासुदेवन को सेंट्रल जू अथॉरिटी के नए सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो किनको किया गया है यह याद रखिएगा। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो यह जो है इसकी शुरुआत वर्ष 1941 में दिल्ली पॉलिटेक्निक के आर्किटेक्चर विभाग के रूप में की गई थी। कुछ समय पश्चात इसे 1955 में स्थापित स्कूल ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत एकीकृत किया गया और वर्ष 1955 में इसका नाम बदलकर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कर दिया गया। इसके अंतर्गत मानव आवास और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में। तो यह एक सांविधिक निकाय है, मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में जानवरों के रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों तथा मानदंडों को लागू करना है। सांविधिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी और वर्ष 1991 में इस निकाय की स्थापना के लिए वन जीव संरक्षण अधिनियम को संशोधित किया गया था। यह याद रखिएगा 1992। इस प्राधिकरण का मुख्य लक्ष्य देश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करना है, विशेष रूप से पशुओं के संदर्भ में। भारत में चिड़ियाघरों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित तथा राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति 1992 के द्वारा निर्देशित किया जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों के बीच जानवरों के आदान प्रदान के लिए भी सेंट्रल जू अथॉरिटी के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की संरचना देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 सदस्य होते हैं, एक सदस्य सचिव शामिल होता है। इसमें कुछ सदस्य पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी होते हैं, जबकि शेष गैर सरकारी सदस्य वन्य जीव संरक्षण वादी या सेवानिवृत्त वन अधिकारी होते हैं। इस प्राधिकरण की अध्यक्षता पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्री द्वारा की जाती है। जानवरों को लेकर के चिंता है कुछ तो उसको देख लीजिएगा, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं RED+ कार्यक्रम। युगांडा निवरणीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कार्यक्रम के माध्यम से उत्सर्जन में कमी के परिणाम प्रस्तुत करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो याद रखिएगा युगांडा जो है पहला अफ्रीकी देश है ऐसा करने वाला। RED+ कार्यक्रम का उद्देश्य निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण में कमी के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को परिणाम प्रस्तुत करने के उद्देश्य से RED+ कार्यक्रम के संभावित परिणाम आधारित भुगतानों का लाभ प्राप्त हो सकेगा। RED+ कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। तो यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के भागीदार देशों द्वारा विकसित एक तंत्र है। यह विकासशील देशों को वनाच्छादित भूमि से उत्सर्जन में कमी कम करने तथा
कम कार्बन आधारित निवेश को प्रोत्साहन देकर सतत विकास को प्रोत्साहित करता है। आरईडीडी प्लस कार्यक्रम के निम्नलिखित तीन चरण है, तत्परता मतलब रेडीनेस, दूसरा कार्यान्वयन और तीसरा है परिणाम भुगतान आधारित प्रणाली, और इसके यह जो है अंतिम चरण है। और इसके तहत उन विकासशील देशों जिनके द्वारा निश्चित अवधि के दौरान निर्वनीकरण पर रोक लगाई गई है को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक तकनीकी मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। ब्राजील परिणाम आधारित भुगतानों के तहत निधि प्राप्त करने वाला प्रथम देश था, यह भी याद रखिएगा। अब देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र का आरईडीडी कार्यक्रम, वो था आरईडीडी प्लस कार्यक्रम, यह है आरईडीडी कार्यक्रम। तो यूएन आरईडीडी कार्यक्रम विकासशील देशों में निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती की दिशा में संयुक्त राष्ट्र का सहयोग कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी, याद रखिएगा। और कार्यक्रम को खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के निर्धारित भूमिका और तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर बनाया गया है। यह कार्यक्रम अफ्रीका, एशिया प्रशांत, लैटिन अमेरिका के भागीदार देशों में आरईडीडी प्लस तत्परता रेडीनेस चरणों के प्रयासों का समर्थन प्रदान करता है। और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि आरईडीडी प्लस कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र का आरईडीडी कार्यक्रम दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। लास्ट हमारा पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। तो प्रधानमंत्री ने जो है यह आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया है। हाल ही में आपको पता है कि चाइना के जो ऐप्स हैं उनको बैन कर दिया गया है, तो प्रधानमंत्री ने यह चैलेंज दिया है आईटी पेशेवरों को और भारत के युवाओं को कि भैया आप लोग जो है अपना चैनल बन अपना ऐप विकसित कीजिए, फेसबुक का विकल्प ढूंढिए, ट्विटर का विकल्प ढूंढिए, और अगर आप ऐसा करने में समर्थ हो जाते हैं तो मैं भी उससे जुड़ूंगा। और इस चैलेंज का उद्देश्य ऐसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स की पहचान करना है जो पहले से भारतीय नागरिकों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं और जिनमें अपनी विशेष श्रेणी में विश्व स्तर के ऐप्स बनने की क्षमता है। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से भारत सरकार एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रही है जहां भारतीय उद्यमियों और स्टार्टअप्स को तकनीक आधारित समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए मददगार साबित होंगे। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज मुख्य रूप से 8 व्यापक श्रेणियों में शुरू किया गया है। पहला है कार्यालय उत्पादकता और वर्क फ्रॉम होम, दूसरा है सोशल नेटवर्किंग, तीसरा है ई लर्निंग, चौथा है मनोरंजन, पांचवा है स्वास्थ्य और कल्याण, छठा है व्यवसाय, सातवां है न्यूज और आठवां है गेम्स, ठीक है। और लास्ट हमारा है हागिया सोफिया संग्रहालय, तो इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में तुर्की के शीर्ष न्यायालय ने इस्तांबुल के प्रतिष्ठित हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने अथवा इसे संग्रहालय बने रहने के संबंध में सुनवाई पूरी कर ली है। अनुमानतः आगामी 2 हफ्तों में न्यायालय अपना स्पष्ट निर्णय दे देगा। तो यह जो आपका संग्रहालय है हागिया सोफिया संग्रहालय, इसको जो है मस्जिद में बदलने का जो है कार्यवाही चल रहा था, कहां पर, तुर्की में ये चल रहा था। तो यह तुर्की से संबंधित है, याद रखिएगा। तकरीबन 1500 वर्ष पुराना यह ढांचा है जो कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। इस्तांबुल की इस प्रतिष्ठित संरचना का निर्माण तकरीबन 532 ईस्वी में बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासक जस्टिनियन के शासनकाल के दौरान हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उस समय जो है इस शहर को कॉन्स्टेंटिनोपोल या फिर कुस्तुनिया के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1453 में जब इस्लाम को मानने वाले ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान मेहमद द्वितीय ने कुस्तुनिया पर कब्जा कर लिया तब इसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया था। 1930 के दशक में आधुनिक तुर्की गणराज्य के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने तुर्की को अधिक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के प्रयासों के तहत मस्जिद को एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया था। वर्ष 1935 से इसे एक संग्रहालय के रूप में आम जनता के लिए खोल दिया गया था। अब देख लेते हैं विवाद क्या है। तो तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन ने तुर्की में राजनीतिक में जब प्रवेश किया था तो उनके प्रमुख एजेंडे में हागिया सोफिया तत्कालीन स्थिति शामिल नहीं थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा यरूशलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता जब दी गई तब रेसेप एर्दोगन ने भी हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया था। हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद के रूप में बदलने को लेकर रेसेप एर्दोगन का पक्ष राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। अपने इस कदम के माध्यम से वह पुनः अपना राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं जो इस्तांबुल के नगर पालिका चुनाव के बाद लगातार कम हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दूसरा भाग भी समाप्त किया है और 1 से 6 जुलाई तक का जो हमारा करंट अफेयर्स कार्यक्रम था उसको हमने देख लिया है, ठीक है।
अब बस लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो 9525360283 पर आप कॉल कर सकते हैं, और इसका जो है ये जो नोट्स है आपका उसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जो है कॉल भी कर सकते हैं 7004385014 पर, ठीक है। तो आप दीजिए इजाजत चंद्रवर्धन को और आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे।